दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का आज 81 साल की उम्र में निधन हो गया। दिग्गज कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित की कुछ समय से ही तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके कारण लंबी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह उन्हें दिल्ली के एक्सकॉट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर 3:30 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। शीला दीक्षित दिसंबर 1998 से दिसंबर 2013 तक दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। मुख्यमंत्री रहने के बाद शीला दीक्षित केरल की राज्यपाल भी थी। वर्तमान में वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा भी थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में दिल्ली के लिए काफी विकास काम भी किए थे। इतना ही नहीं तो राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार से उनका काफी करीबी रिश्ता भी था। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं शीला दीक्षित के निधन पर दुखी हूँ। शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि शीला दीक्षित एक कांग्रेस की प्यारी बेटी थी और वो मेरी काफी करीबी थी। मुझे उनके परिवार से संवेदनाएं हैं। शीला दीक्षित के निधन की खबर से समूचे भारत में उनके लिए शोक जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि प्रधान टीवी, अमरावती।